हेलो गाइस, कैसे हैं? वेलकम टू द ब्लॉग। अभी के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अभी सो के उठा हूँ और इतना गंदा सपना आया भाई, फैमिली के को लेकर बहुत बुरा सपना आया। और मतलब क्या बताऊँ, मुझे 3 बजे से मेरी नींद खुली, 3 बजे से मुझे नींद नहीं आ रही है। अभी बज रहे 5, बताता हूँ सपने में क्या आया। सो गाइस, मैं हो गया रेडी और अभी बज रहा है सुबह के 7 और बस अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। भाई सपना कुछ ऐसा आया था कि क्या बताऊँ आपको, कि मेरे घर के सामने, मतलब मैं हूँ, मेरे कुछ घर के सामने लड़के लोग आए हैं, मतलब एक जीप लेके, जीप के अंदर बहुत सारे गन्स और ग्रेनेड रखे हुए हैं। तो मैंने गन उठा लिया और सडनली सामने से पुलिस वाले आ गए। ऊपर से मेरी छोटी बहनें दोनों देख रही थी तो, और मुझसे बात कर रही थी, तो क्या मैंने गन उठाई और उठा के देख रहा था, उतनी देर में पुलिस वाले आ गए और पुलिस वाले सामने से आए और सामने से निकल के गए। तो देर में उन्होंने, पुलिस वाले ने पीछे मुड़ के देखा और मेरे हाथ में थी गन और ग्रेनेड था। तो उतनी देर में क्या, वो आगे वाले जिनके जो लाए थे जीप में अपनी, वो लोग फट से अपनी जीप लेके निकल गए और पुलिस वाले ने मेरे हाथ में देख ली गन और ग्रेनेड। अब भैया वो मैं उसको छुपाऊँ तो छुपाऊँ कहा, अब उनको मैंने फेंक लिया और अपने पीछे मैंने बैग में रख लिया, मतलब बैग टांग के था, मैं बैग के अंदर ऐसे मैंने पीछे साइड से रख लिया। तो भाई पूछने लगे कि भाई कैसा आ गया, कहाँ से लाया तुम ये, इधर उधर भागने लगा। तो भागा तो मेरी बहनों को पकड़ लिया भाई उन लोगों ने, मेरी बहनों से बहुत पूछताछ की कि कह रहे तुम लोग, तेरा भाई ऐसा वैसा वैसा करके। मैं भाई गॉड इतना डर गया था उस सपने से कि मैं क्या बताऊं। और ये हालत हो गई थी मेरी, मैं सुबह 3 बजे उठ गया, 3 बजे से उठा हुआ हूँ और आ रहा, मतलब नींद ही नहीं आ रही थी। फिर अभी 5 बजे तक फिर थोड़ी नींद नींद खुली, फ्रेश फ्रेश हुआ, फिर आप लोगों को बताया। अब मैं आ गया हूँ कैंटीन, पीछे रही कैंटीन, कैंटीन जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में मुझे पता नहीं कि क्या बना है, देखते हैं, लेट्स गो। छोले पूरी कैसे बने मैं खा के बताता हूँ, रुको। बढ़िया बने, एक नंबर, खा सकते हैं। सो गाइस अभी हो गया 7:45 और अभी हो गया ब्लॉग रिलीज होने का टाइम, 8 बजे ब्लॉग रिलीज हो जाएगा। ठीक ठाक बढ़िया लगा मुझे, पेट भर गया मेरा, बस थोड़ा सा बॉटल भर लेता हूँ और फिर निकलते हैं। गाइस मैं और मयूर निकल गए साथ में क्योंकि हो रहे थे लेट और मेरा गेट खुल नहीं रहा, मतलब मेरे रूम का चाहे लॉक खराब हो गया। आने के बाद देखेंगे कि क्या दिक्कत है उसमें। सो गाइस हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए, आप ये नहीं बता, आपको किसी से मिलाता हूँ। देख रहे कंसेप्ट कैसा है, भाई लोग रेडी, अरे चले क्या होगा दादा, तो हाथ रे बोल रहे था, वॉमिटिंग कर रहा हूँ, उल्टी, पेट भारी, पेट भारी। आपके साथ प्रैंक हुआ यार। सो गाइस वी आर गोइंग ऑन द वे टू अ ड्राइविंग सेंटर। सो गाइस हम लोग पहुंच गए सर, थैंक यू। सो गाइस हम लोग हो गए रेडी ड्राइविंग के लिए, बोरी पीली कार, पीली क्या, पीली बस, वो चलाएंगे पहले मैं, उसके बाद मयूर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और जो पीछे बसें चल रही लगातार हम वो चला रहे थे, मगर आज हम लोग लेट हो गए इसलिए आज हम ये चलाएंगे छोटी वाली। अगर ट्रैक्टर चलाना है तो वो भी चला सकते हैं भाई साहब, हम वो आ रहा है पीछे धीरे धीरे। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत कीचड़ है, गाड़ी हो रही गर्म। गाइस बना रहे हैं प्रेशर, गाड़ी का खुद का नहीं, परेशान है आज के। गाइस मैंने चला ली गाड़ी। सर आपका नाम? सर संजीव पंत, एसपी। सर ने अभी बारी है मयूर की। गाइस कर ली हमने ड्राइविंग कंप्लीट और जा रहे हैं हम, अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो रहा है, अब हम जाएंगे चाय वाय पियेंगे मस्त, फिर थोड़ा सा रेस्ट और आफ्टर दैट वी विल टेक रेस्ट और खाना खा पी के फिर जाएंगे बैक टू द टीसी। और कोल्ड ड्रिंक और पेटी। सो गाइस अभी हो गया है बज रहे 2, अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है, खाना खाने जा रहे हैं, पता नहीं क्या बनना है। भाई लोग खाने में बना है ये है बैंगनी सब्जी, दाल, सलाद और बाकी तो कुछ नॉर्मल है सब कुछ। मेरे साथ है मयूर, दूसरा भाई लोकेश। तो सो गाइस हमने खाना खा लिया है और हम लोग अब आ गए हैं हमारे रूम में, कट मॉडल रूम में। मैं अभी आया हूँ, बाकी सारे दोस्त लोग तो मेरे आ चुके हैं पहले, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी यहाँ का मौसम थोड़ा सा, धूप निकली है, धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही है। बाकी लोकेश थका थका सा लग रहा है, लोकेश दिखा।
सब लेटे हुए लंबी तान लेके भाई साहब ये देखो आए है शर्मा गई दादा खूब भलो। सो गाइस कुछ ट्रेनिंग बाकी है और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ से 5 बजे या 6 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्ट FTC के लिए। फिर FTC में जाके जो थोड़ा बहुत काम है मेंटेनेंस का वो करेंगे, उसके बाद फिर वही खाना पीना। ब्लॉग में जुड़े रहिए, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है भाई साहब। तो भाई लोग हम लोग हो गए तैयार जाने के लिए, सर हमें दे रहे हैं विदाई। क्या बनाते हैं ब्लॉग सर? गाड़ी को प्रस्थान करते हुए और सनसनाती गरम हमारी गाड़ी। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अथॉरिटी, अभी बज रहा है 6। सारे दोस्त मेरे साथ, हमको ब्लॉग मिले नहीं, हमारे घर वाले देखेंगे नहीं। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? हम बहुत इम्पोर्टेंट है, शुभम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ललित के पापा तो CHQ में है, वो तो देखते नहीं होंगे, टाइम नहीं मिल पाता होगा। तो भाई लोग मेरे रूम का जो क्या है लॉक है वो हो गया लॉक परमानेंट, तो ये जा रहा है मास्टर की, इसे सारे ताले तोड़े हैं तिजोरी के और सील तोड़ने का काम ये ज्यादातर करता है, काफी अच्छा सील तोड़ता है ये। तो ये सील ऑयल सील हो गई है, तो अभी पिस्टन रिंग है सारी तोड़ता है, अभी गेट का ताला तोड़ेगा है ना। काफी घूर के देखता हुआ रैनसम हमारा भाई, हम कहां क्या घूर के देखेंगे। तुमने ताला सील तोड़ी है क्या? नहीं भाई। सब गाइस कैसे हो? अभी बज रहा है रात के 9 और मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। आज दिन भर बहुत सारा काम हो गया और कपड़े भी मैंने पूरे धो लिए हैं, पूरे एकदम कपड़े वपड़े धो के फ्रेश हो गया हूँ मैं और खाना खाता हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लॉग, ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ स्पेशल था नहीं, मगर रोज़ ये मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि कैसी कट रही मेरी लाइफ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लॉग भाई, ऐसे ब्लॉग में जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। जय हिंद वंदे मातरम।